दो तो एक सुना नवी कहानी सुना। एक राजे दे वजीर रखा सी, वो वजीर दे लाद नहीं थी। जो तो लाद नहीं थी भाई, वो सियाने सप्पिया होर साधा संत को जाता रहा। वो जाया करे राजे तो चोर को, जिस वक्त उन्होंने टाइम मिले करी तो किसी संत को बग गया। कहना बाबा जी, कहना हाँ, कहना घर चानना नहीं है। वो कहना भाई चानन तो खर मिल जू, पर कहना फलाने तो ना ही मेरे को, पहर तड़के उदो मैं स्नान करता हूं, तेनू कहना मैं अपनी धोती दूंगा। वो धोती लेके तू अपने सारे अंगण के सिट्टा मार दें घुमा दी तेरे अंगण के। कहना आह चीज़ा ने भाई, गल आ गई भरमां की। उन्हें भाई वजीर ने उवी करया, बग गया। जो तो गया वजीर तो बाबा जी नहाते, नहा के उन्होंने धोती वे मोढ़े तो धरती नुचड़ी नुचड़ी। हूँ आ गया वो घर, घर आके उन्हें जिमें कहा उन्हें उमें करी सिट्टा मारता। लाता फिर ना हुई, साल छह महीने लंघे, फिर बागे। कहना बाबा जी, कहना हाँ, कहना कोई चानन नहीं होया। वो कहना कोई ना हो जू भाई, इतने भाई कितने बजी राजे का मुंडा शिकार खेड के आया थी उधरों। वो आके कहना पिता अपना वजीर जाता हाँ उधर नू, भी तुसी कोई कम तुरे। कहना ना भाई, मैं तो कोई कम नहीं तुरिया। जो आया राजे ने पुछया, कहना वजीर तू की कर जाना हूं तेरा। वजीर ने अखा चंजू आ गए। वो कहना गल दस की है। कहना गल ये है जी, मेरे घर चानन नहीं, मैं तो लादा मरा जाना। कहना कित्थे जाना हुंदा? कहना जी एक संत ने उन्हां कोले जाना हुंदा। कहना भी ऐ करी जिद्दे हुण जाना होया मैनू नाल लेके चली। कहना भी चंगा। उन्हें भाई वजीर ने जो तो संत जिद्दे जाना थी, उन्हें राजे नूं कहता। कहना जी आपां तड़के चलांगे, भी जाना पहर तड़के पैंदा। वो कहना कोई ना भाई, जे 2 बजे जाना पवे 3 बजे मैं चलूँगा। वो कहना चंगा। राजा दे वजीर दोनों साध को तुर पे, तो साध दे गए। हाँ साध स्नान सुनून करके बैठा अपने जटा छिटिया ने पिछे। उन्हें जाके प्रणाम बराई, राजे ने बुलाई, बैठो भाई गल्लां बातां करियां। वजीर कहना जी कोई फौ नहीं पै रहा, घर दे विच चान नहीं हो रहा। तो राजे ने बैठे बैठे कहना यार गल सुन वजीरा। कहना हाँ। कहना बाबा गुस्सा तो नहीं करता? कहना ना। कहना तेरे ये कितों लाटन ला दे, झूंबी च तो नहीं रही आपदी च पे, मालक तो मंग। कहना बाबा तू को वहम च पाई फिरदा नू? वो कहना भाई जे सियाणा हुंदा इहनू नहीं पता भी धोती नू चोड़ी तो लात हुंदी हुंदी आ, जिहनू मत्ती नहीं। वो भाई वजीरो थुट के तुरिया गुस्से च आ गया। आके भाई जिहड़ा उन्हें दिता ती तागा सुता उन्हें साफ तौर पर मरे। समा पिया इतने भाई कोई वखीर पहुंचा हा, वखीर आंदा नंगे पैर तुरै आंदा। उन्हें आके जिथे वजीर का टिकाणा थी उत्थे रासा ला लिया सामने, अरे बैठन ला बैठ गया। होर बंदा ने कहता, कहिंदा भाई ऐ करो संतां नूं आपां कोई झुंबी पा दईए, कोई नेरी बुले का नहीं पता हुंदा, झुंबी पा दईए संत बह जाणगे। वो झुंबी पाउण लग गए। वो आके कहना भाई की कर दियो? कहना बाबा जी तेरी खातर असीं झुंबी पाउणी आ। कहना पा दियो भाई। पाते जदों किसे मालक ने सुननी हुंदी है फिर वह जिवें सियाणे कहिंदे ने वी सवाह तो भी फायदा हो जांदा। वजीर नूं पता लग गया, हुण वजीर दे घर दे नेड़े आ। उह वजीर कहिंदा भी भाई जिहड़ा इन्ना भी खर्चा होऊ ते बाबे दी जगह बनाउण ते पक्का बना के दो, उन्ना खर्चा मैं करूँगा। उन्होंने भी पक्के वधिया कोल कढ के सन बनाती, मन के चल झुंबी नूं सन कहिंदे ने। वो कहिंदा भी हथ ने रोज़ जाया करे वजीर भोजन पानी लेके। तो एक दिन कितें कुदरतों मालक नाल बिरती लग गई संत दी। वो कहिंदा भी जिहड़े दा भोजन सकदा है इहनू एक चीज़ दे, दूजी ना दी। जदों तैनू कोई दयालू आहू तेरे ते दयालमान होणगे तू उन्हें कोई चीज़ बख्शनी है, जिहड़ी मर्जी बख्श दी। कहिंदा भी ठीक है। जद भाई कुछ समां लंघिया
एक दिन संत बैठे हसी जाते हैं, वह भी जाके बह गया वजीर मूहरे, कहना लै भी अज भाई खुश है की मंगना राजा मंगल है वजीरा मंगल है जो कुछ मंगना है। वो कहना जी होर तो सारा कुछ है घर के चानना नहीं है लाद नहीं है। तो कहना भाई ऐ करी फिर कल धूना लाई आके फिर तेन दसागे भी लाद है ज ना है। कहना सत बचन दूजे दिन भाई धूं च पाया संतां दे जटां दे विच इक अमी जलती। वो कहना भी ए कर अमी जल लै जा मैथों पर मैं हरेक नूं दिंदा नहीं तैनू दिता है ये अमी जाल वरत के इत्थी लैके मैनू फड़ा दी। कहना चंगा वो जिवें संतां ने कहा उवें जिकरी उहने आपदी औरत ते वरत्या लिया के संतां नूं फड़ाता। कहना लै भाई आउंदे साल नूं घर च चानण हो जूगा। संत उत्थे रहे समा लंघा भाई उहदे घर वाली नूं दिन टप्पण लग गए ते खुशी हो गई होर रिश्तेदार खुश हो गए भी इन्ने समय पिछों। जब भाई समा आया बच्चा पैदा होया तो उस बच्चे दे इक्को ही पैर जो इक्को ही पैर उहदे लोकां नूं होर हो गया संसा भी जर अगे तां लाद नहीं थी हुण तां डंड है। वह वजीर नूं कहिंदे जी अगे तां चंगी थी लाद नहीं थी हैगी चल इक्को ही संसा थी पर हुण दो हो गए। कहिंदा कि उहनां तां लाद दी दित्ती। कहिंदा नहीं दित्ता इक पैर है। कहिंदा कोई ना ये आपदा खाओ अपना नहीं खांदा। वह कहिंदा भाई जिन्ने फल फ्रूट वंडने ने वंड दिओ मिठाइयां वंड दिओ खुशी मनाओ। मनाई खुशी भाई उहदे घर वाली नूं फिक्र हो गया भी ये खुशी तो मनाई जाता राजा ये आपदी किरिया सोधू किवें। संतां कोले गए महीना दो महीने पिछों। वो कहिंदा जी चानण तो हो गया पर कहिंदा पैर इक आ बच्चे दे। वो कहिंदा कोई गल नहीं भाई समा जाण दे। जद हौली हौली हुण जदों बच्चा हौली हौली खेडदा खेडदा हौली हौली जवान हो चलिया। जदों जवान होया तो होर आपदे माँ प्यो नूं पुछदा भी माँ प्यो आपदे प्यो नूं कोले बिठा के पुछण लग्गा। कहिंदा पिता भी मैनू इक पैर को दित्ता मालक ने। वो कहिंदा भाई इहदा तां मैनूं भी नहीं पता इक संत ने उहनां नूं पुछांगे आपां उहनें कहती भी समा पई तूं दसूं। इक दिन भाई खीर खूर बनाई उहदे घर वाली ने ते वधिया खाणा बना के संतां कोले लै गई। कहिंदी बाबा जी तो खाणा खा लिया। कहिंदी मैनूं इक गल दसो बाबा जी भी बच्चे दे इक पैर कौन दूजा कौन ही मालक ने लाया। वो कहिंदा भाई सुण लै बह जा दस दिंदा जिहड़ा कहिंदा वजीर है। कहिंदा सा कहिंदा ये पिछले उहदे विच रिश्ती गा जामे का अच्छा। कहिंदा ये मंदारी दे काबे हुंदा जी खेडा पाउंदा हुंदा ये जद भी खेडा पाँदा है कितने खेडा ने सपूर नीति करा दूरा रखता थी तो मंदारी दे कहिंदा सत्तर पैन लग गए भी साढ़े पिंड च क्यों लोगों का कट्ठ करे जो रिश्तेरा खेडा नहीं सही पाँगा। कहिंदा हौली हौली समा पिया उन्हें रस्सा लाता मंदारी ने रिश्ता जो रस्सा लाया तो वह कहिंदा आपदा जंगलों में तुर पै रहे सौ तो रास्ते दे विच कहिंदा उहदा ख्याल आया। कहिंदा भी उहने सोचा भी मना मालक कोल इन्ना चिर रहे आपां भी उहने अपना रस्सा लाया अपनी बैबत दे मारे ने भी आपां उहदा खेडा दूरा रखते रहे मुड़िया आ के उहने फेर टक्करता। वह कितने उधर दी आया करे कितने उधर दी आया करे। उहदे घर वाली कहिंदी मंदारी दे घर वाली कहिंदी जे ऐ करो संगली पा लो बन लो नेरे सवेरे दूर नेड़े नंघा आवांगे। हुण उहने मदारी ने कहिंदा भाई उह बन लिया। जदों बन्निया वह रात नूं हसदा ती कहिंदा रिसा जदों रात नूं हसिया उहनूं एक चांदी तरह की चीज़ चमकी उहदे मूँह चों सारे विहड़े दे विच रोशनी हो गई। कहिंदा पर दे तां दित्ता उहनूं पर इस दे मन विच सिंख्या रही भी इह गलत वरतों ना कर ली दी। कहिंदा मंदारी बनाता बिज राजा उहनूं तां पर जिहड़ी उह चीज़ उहने दित्ती थी ना उहने पूरी नहीं दित्ती उहनूं। कहिंदा इस करके भाई इहनूं सराफ लग्गिया होया जद तक इह दुनिया दे उत्ते साजू उह तक इहनूं बच्चा आऊ जाऊ पर अंग पूरे नहीं आऊ।
ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਧ ਰਾਜ ਲਊ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਲਊ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜੋ, ਪਰ ਡੰਡ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੀ ਹੋਜੂ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਸੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਲਤ ਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਓ ਬਣਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆੜ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲਵਾ ਦਊਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਲਵਾ ਦਿਓ।